हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर बीमार है। किसी को डायबिटीज की समस्या है तो किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, किसी के बाल झड़ते हैं तो किसी के जोड़ों में दर्द रहता है। दोस्तों, जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो लोग दवाइयाँ खाकर भी स्वस्थ क्यों नहीं है? और पुराने टाइम की बात करें तो लोग इतने बीमार नहीं थे, तो तब क्या लोग बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाते थे? यानी कि आज के टाइम से भी ज्यादा दवाइयाँ खा रहे थे? तो इस चीज का जवाब हम सब लोगों के पास है, वो है नहीं। कि पुराने टाइम में लोग इतनी दवाइयाँ नहीं खाते थे, लेकिन तब सब लोग आयुर्वेद का सहारा लेते थे, ना कि दवाइयों का। लेकिन आजकल लोग रोजाना कोई ना कोई दवाई जरूर खा रहे हैं, क्योंकि दवाई लेना बहुत आसान है और ये पेन यानी दर्द को कुछ टाइम में बिल्कुल खत्म कर देती है। लेकिन ये एलोपैथिक की जो दवाई है, ये शरीर के और ऑर्गन्स को और अंगों को खराब करती रहती है। लेकिन हमारा पुराना आयुर्वेद एक चीज से बहुत सारी बीमारियों को एक साथ खत्म कर देता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों, आयुर्वेद बीमारी की जड़ पर काम करता है। जैसे किसी पौधे की जड़ पर जब हम खाद डालते हैं तो पौधा हरा हो जाता है, वैसे ही प्राचीन आयुर्वेद जो है बीमारी की जड़ पर काम करता है और बीमारी को खत्म कर देता है। दोस्तों, हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के हिसाब से, जो कि वाग्भट ऋषि जी ने लिखी थी, उन्होंने बताया था कि अगर किसी भी इंसान के कंधे में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, अगर किसी भी इंसान की मेमोरी लॉस हो चुकी है, यानी कि उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो चुकी है, जोड़ों में दर्द रहता है, या फिर आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा सूजन आ चुकी है, या फिर आपके शरीर में खून की कमी हो चुकी है, या फिर आपके खून में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आर्टरीज में ब्लॉकेज आ चुकी है, या फिर खून का बहाव तेज हो चुका है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो चुकी है, तो इन सारी तकलीफों को दूर करने का काम सिर्फ एक चीज कर सकती है। दोस्तों, वो हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाती है। वो चीज है दोस्तों, मेथी दाना। और सर्दियों के दिनों में जैसे अब हरी मेथी आती है, तो उसका सेवन सर्दियां आप जरूर कीजिए। दोस्तों, इसके क्या जबरदस्त फायदे होते हैं। जितने भी वात के रोग हैं, वात के रोग कितने हैं, 80 तरह के वात के रोग हैं, और कफ के जितने भी रोग हैं, उसे दूर करने का काम मेथी दाना करता है। मेथी दाने के सबसे पहले फायदे की बात करूं तो ये शरीर में से बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर करता है, हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी क्योर करता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर और बुरा कोलेस्ट्रॉल, ये समस्या हमारे शरीर में क्यों होती है? जब हमारा खून गाढ़ा और गंदा हो जाता है तो ये दोनों समस्याएं हो जाती हैं। और मेथी दाना क्या काम करता है, खून को साफ करता है और खून को बढ़ाने का काम भी करता है। अगर किसी इंसान के शरीर में खून कम है, जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही, तो मेथी दाना शरीर के अंदर खून को बढ़ाने का काम भी करता है और खून को साफ करने का काम भी करता है, यानी कि रक्त के जितने भी रोग हैं उनको दूर करने का काम मेथी दाना करता है। लेने का तरीका बहुत ही साधारण बताया है वाग्भट ऋषि जी ने। उन्होंने कहा है कि आप एक चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दीजिए और सुबह इसे चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आप इसे चबा चबा कर नहीं खा पा रहे तो उतना असर आपको नहीं मिल सकता। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाउडर फॉर्म में मेथी खाते हैं, उनको इतना फायदा नहीं हो सकता जितना फायदा भिगी हुई मेथी दाने को चबा चबा कर खाने से आता है। क्योंकि मेथी दाने का जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो कड़वा होता है। जब आप इसे चबाते है तो मुंह में ज्यादा लार बनती है और उतनी ही लार हमारे पेट में जाती है। और ये चीज तो आप जानते होंगे कि हमारे शरीर के लिए हमारे मुंह की लार कितनी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, मेथी दाना हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है, और इसके दूसरी तरफ अच्छे कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाता है। अगर किसी इंसान को कब्जियत बहुत ज्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए भी मेथी दाना बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, तो इन सभी का इलाज मेथी दाने से किया जा सकता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, दोस्तों अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो 50 तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। हर तरह का दर्द शरीर में होने लगता है कैल्शियम की कमी से। मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, हड्डियों का दर्द होने लगता है, हड्डियों की सभी विकृतियां कैल्शियम की कमी से होती हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से
खून के रोग हो जाते हैं, यानी शरीर में खून भी कम हो जाता है, कफ के रोग हो जाते हैं। कैल्शियम एक ऐसा घटक है, एक ऐसा मिनरल है जिसके शरीर में रहने से ही बाकी विटामिन्स और मिनरल हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। यानी कि अगर आपको अपने शरीर को विटामिन ए देना है, विटामिन बी देना है, विटामिन सी देना है, प्रोटीन देना है, तो इन सभी के लिए आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी भी इंसान को पुरानी डायबिटीज है, यानी कि डायबिटीज की समस्या बहुत पुरानी है, तो 3 महीने के लिए रोजाना आप मेथी दाने का सेवन करके देखिए। इसके अलावा अपने खानपान को थोड़ा चेंज कर दीजिए, रोजाना वॉक करिए यानी कि पैदल चलिए, आपकी डायबिटीज क्योर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर पर सूजन आ जाती है, लीवर की कोई समस्या आने पर पेट पर सूजन आ जाती है, और हार्ट यानी कि दिल की कोई समस्या आने पर हाथों पर स्वेलिंग आ जाती है, और किडनी की कोई समस्या आने पर फेस यानी चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए मेथी दाना बहुत ही अच्छा है। कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके अंदर स्पर्म काउंट कम होते हैं, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए भी मेथी दाना बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, उन लोगों को मेथी दाने के साथ शहद का भी सेवन करना है। अगर आपके अंदर खून कम है, आपको पता ही नहीं है खून कम है, खून कम का पता कैसे चलता है? अगर आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है, कमजोरी रहती है, आप थोड़ा सा काम करने पर बहुत जल्दी थक जाते हैं, एकदम से चेयर से या फिर बेड से खड़े होते हैं तो आपके चक्कर जैसा महसूस होता है, तो आपके शरीर में खून की कमी है। तो खून की कमी को पूरा करने का काम भी दोस्तों मेथी दाना बहुत आराम से करता है। ये एनीमिया की समस्या को बिल्कुल दूर कर देता है। अगर आपके फेस पर ग्लो नहीं है, आप अपनी स्किन के ऊपर ग्लासी ग्लो लाना चाहते हैं, चमक लाना चाहते हैं, तो रोजाना के रोजाना मेथी दाना भिगोकर खाना शुरू कर दीजिए। वजन को घटाने के लिए हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का हाई होना बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो हम जो भी खाना खाएंगे वो अच्छे से पच जाएगा, और खाने को पचाने के लिए मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, तो मेथी दाना हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही है और आप अपने चश्मे को उतारना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो 3 महीने के लिए रोजाना आप मेथी दाने का सेवन कर लीजिए। आपकी याददाश्त अगर कमजोर पड़ चुकी है, सोचने समझने की क्षमता जो है वो वीक पड़ रही है, तो रोजाना मेथी दाना खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इस अकेले मेथी दाने के द्वारा हम कितनी तकलीफों को, कितनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेथी दाने की तो कोई एक्सपायरी भी नहीं है। अगर हरी मेथी आए तो आप इसका सेवन कीजिए, नहीं तो पूरा साल आप मेथी दाना तो अवेलेबल करवा ही सकते हैं। दोस्तों, जो मेथी दाना है वो कौन सा लेना चाहिए? जो छोटे दाने होते हैं ना, छोटे दाने वाला मेथी दाना ही सबसे बेस्ट होता है। जिसके दाने थोड़े बड़े होते हैं ना मेथी के, वो इतना फायदेमंद नहीं होता। तो जब भी आप मेथी दाना खरीदें तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, वात के रोग और कफ के जितने भी रोग हैं उनको दूर करने के लिए मेथी दाना बेस्ट है, लेकिन सिर्फ पित्त के रोगों को ये बढ़ाता है। यानी कि जिनके शरीर की नेचर प्रकृति पित्त वाली है, एसिड बहुत ज्यादा बनता है, शरीर में अल्सर है, या खाया पिया हजम नहीं होता, उल्टी जैसा महसूस होता है, खट्टे डकार आते हैं, उन लोगों ने मेथी दाने का सेवन नहीं करना। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप और चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करके और नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।